हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई एक नया चैप्टर फाइनेंस फॉर एवरीवन का। तो ये जो सीरीज बन रही है सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर थ्री और सेमेस्टर फाइव के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है सीरीज से, ताकि उनके सारे चैप्टर्स मैं कवर करा सकूं और धीरे धीरे एग्जाम से पहले आपकी बुक खत्म करा सकूं, ठीक है जी। और इस सीरीज को देखने से पहले बता दूं, अगर किसी को भी फाइनेंस फॉर एवरीवन के नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो नोट्स मैंने बना के रेडी कर दिए हैं। अगर जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट नंबर मेरा दिया हुआ है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए और मिनिमम अमाउंट पे करके आप नोट्स को खरीद सकते हो, ठीक है जी। तो जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। और एक चीज और मैं बता देता हूँ कि सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ की जो सीरीज बन रही है ये जो है DU, SL, BCOM, रेगुलर वगैरह स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और आज हम इसका पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, पहले आप ये समझेंगे फिर हम समझेंगे इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो इंश्योरेंस मतलब होता है कि क्लेम करना, अगर कोई चीज आपकी खराब हो जाती है उसके लिए सामने वाले लोग क्लेम करते हैं, हम लोग अगर क्लेम करते हैं और वो सामने वाले लोग हमें भरपाई करते हैं उस चीज की, तो वो हमारा इंश्योरेंस कहलाता है कि हमने उस चीज का, उस प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जांपल दूं तो ये मेरा मार्कर है, इस मार्कर को मैं मार्केट से 20 रुपए का लेके आया था और मेरे को ना इन्होंने कहा था कि 1 साल की गारंटी है इसकी, अगर खराब हो जाए तो हम आपको रिप्लेस करके दे देंगे नया। तो ना ये 1 साल की गारंटी में लेके आया था और मैंने करा लिया इसका इंश्योरेंस, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका इंश्योरेंस करा लिया और मैं रास्ते में आ ही रहा था कि अचानक से तेज गाड़ी आई और ये मेरा मार्कर उसके नीचे जाके टूट गया। अब जैसे ही मेरा मार्कर टूट गया अब मैं सैड हो गया, बट मैंने करा रखा था इसका इंश्योरेंस, तो मैंने कंपनी को क्लेम किया कि आपने 1 साल की गारंटी दी थी और ये ऐसे ऐसे टूट गया है, अब वो मेरे को इसका इंश्योरेंस देंगे, अब वो मेरे को क्या करेंगे इसका क्लेम देंगे कि जो भी मेरा बनेगा पैसा, जो भी मेरा मार्कर बनता है या तो रिप्लेस करेंगे या वो क्लेम देंगे, ठीक है। तो ये चीज होता है बेसिकली इंश्योरेंस, मतलब कि कोई भी चीज का अगर कोई भी आने वाले टाइम पे नुकसान होने वाला हमें पता है तो हम आज से ही उसका इंश्योरेंस लेके चलते हैं, आज से ही उसको क्लेम करके चलेंगे, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या होते हैं। इंश्योरेंस प्रोडक्ट वो सारे प्रोडक्ट हैं, वो सारे पदार्थ हैं, वो सारी चीजें हैं जिनका इंश्योरेंस बिकता है मार्केट में, जैसे कि कार का इंश्योरेंस, होम का इंश्योरेंस और व्हीकल का इंश्योरेंस, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि शिपमेंट का इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस, तो भाई ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं अलग अलग टाइप के, जो अलग अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड इंश्योरेंस देते हैं। और अभी इतने सारे इंश्योरेंस हो गए हैं तो हमें बेसिकली ये पढ़ना है कि इंश्योरेंस क्या है, प्रोडक्ट इंश्योरेंस में क्या बेनिफिट होता है, प्रोडक्ट इंश्योरेंस में कितने टाइप आते हैं, तो हमें आज यही सारा कवर करना है। तो हम इसकी मीनिंग से कवर करते हैं। मीनिंग में लिखा है इंश्योरेंस प्रोडक्ट आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिजाइंड टू ऑफर प्रोटेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट। कह रहा है कि जो इंश्योरेंस प्रोडक्शन है, जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो फाइनेंशियली इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तरह से पैसे जनरेट करने का इंश्योरेंस होता है जो कि डिजाइन किया गया है किसके लिए, ऑफर करा गया है प्रोटेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए। मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी सुरक्षा और उसके अंदर आने वाली रिस्क जो है वो मैनेज करने के लिए आज से हम उस चीज का इंश्योरेंस बना के चलते हैं। आगे लिखा है उसके बाद अगेंस्ट वेरियस अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क। जितनी भी आने वाली अनसर्टेनिटीज है या अनरिस्क है, मतलब कि आने वाली जितनी भी ऐसी समस्याएं हैं या ऐसे कोई भी नुकसान है जो हमें नहीं पता, अनसर्टेन है या कोई रिस्क है, कोई आगे आपत्ति आने वाली है हमारे इस प्रोडक्ट पे या हमारे इंश्योरेंस वाली चीज पे, तो हम पहले ही उसका इंश्योरेंस करा के चलते हैं ताकि आगे रिस्क मैनेज हो सके। जैसे कि लाइक इलनेस, इलनेस के लिए देखो बीमार वगैरह के लिए हम लेते हैं या तो मेडिकल इंश्योरेंस या फिर हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो वो इलनेस में आ जाता है। डैमेजेस ऑफ प्रॉपर्टी, अगर कोई हाउस है, कोई आपने बड़ा बंगलो लिया है उसमें कोई धमाका, बम, बाढ़, फ्लड, अर्थक्वेक वगैरह आने के चांसेस है, तो इसके लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं जिसको बोलते हैं डैमेज टू प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। फिर आता है लॉस ऑफ लाइफ, आप अपना पर्सनल लॉस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस भी कराते हो जिसमें आप अपना जीवन बीमा कराते हो कि अगर मैं 50 साल तक रहा तो इसमें मेरे को ये बेनिफिट है, अगर 60 साल तक मैं ना रहा तो मेरा जो सारा पैसा है जो भी मैं जमा कर रहा हूं वो सारा इसको चला जाना चाहिए, तो ये होता है लॉस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो लॉस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के बाद हम पढ़ेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। सबसे पहली ही डेफिनेशन है हेल्थ इंश्योरेंस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस,
फिर हम सीखेंगे पोस्टल इंश्योरेंस, और फिर हम पढ़ेंगे रूलर, और इसके बाद पढ़ेंगे एक और इंश्योरेंस जो इसके बाद लिखवाऊंगा मिटा के, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी पर्सनल बॉडी पर्सनल फिजिक्स से रिलेटेड है। आप अपने बॉडी के लिए अपने फिजिक के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो। आपने मान लो 5 से 10 साल का इंश्योरेंस करवा लिया और आप हर महीने एक मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हो कंपनी को। तो जो इंश्योरर है, एक टाइम पे जब इंश्योरेंस पूरा मैच्योर डेट पे हो जाएगा, मैच्योरिटी हो जाएगी, तो वो पूरा क्लेम आपको दे देगा उस डेट पे। अगर आप जिंदा हो तो आपको मिल जाएगा, अगर आप नहीं हो उस टाइम तक तो आपकी इंश्योरेंस किसी और को दे दी जाएगी जिसका नाम आपने डाल रखा होगा कि भाई मेरे ना रहने के बाद आप इंश्योरेंस इनको दे सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पे लिखा है इज द टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट कवर मेडिकल एक्सपेंसेस। कह रहा है हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो मेडिकल इंश्योरेंस मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस जितने भी खर्चे होने वाले हैं पैसों से रिलेटेड। सपोज करो मैं बहुत ज्यादा बीमार रहता हूँ, मैं एक हॉस्पिटल में गया, मैंने बोला मुझे हेल्थ इंश्योरेंस दे दो, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस दे दो। अब उन्होंने मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया, मैं हर महीने पैसे कटवा रहा हूँ अपनी सैलरी में से। अब हेल्थ इंश्योरेंस मैंने करा दिया तो अगर मेरे को हार्ट अटैक आएगा या मेरे को बीमार होगा या मेरे को खांसी जुकाम कफ कुछ भी होगा, एक बी सी कुछ भी, तो मेरे को उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे कि मेरे को दवाई लेनी है पैसे देने, मेरे को ये लेना है मेरे को उसके पैसे चाहिए, मेरे को हार्ट डिसीज है मैं उसके पैसे दूंगा। नहीं भाई, ये मेडिकल एक्सपेंसेस जितने भी मेरे खर्चे हैं ना, ये कवर करेगा इंश्योरेंस, ठीक है। कह रहा है इनकर्ड बाय पॉलिसी होल्डर ड्यू टू इलनेस और इंजरी। कह रहा है ये जो है इंश्योरेंस, ये पॉलिसी होल्डर कब इसको लेता है, जब उसको कोई भी या तो इलनेस हो या फिर कोई इंजरी हो, तब वो इस इंश्योरेंस को प्रेफर करता है, उसको यूज करता है। दैट इंडिविजुअल्स, कह रहा है हर एक अकेला व्यक्ति, दैट इंडिविजुअल्स कैन एक्सेस क्वालिटी हेल्थ केयर विदाउट बेयरिंग द फुल फाइनेंशियल बर्डन। कह रहा है हर एक व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कोई भी फाइनेंशियल बर्डन पैसों से रिलेटेड बर्डन उसको नहीं बेयर करना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। बेयरिंग मतलब होता है बोझा उठाना, जैसे होता है ना बर्डन उठाना, तो कोई भी बर्डन बेयर नहीं करेगा कोई इंडिविजुअल अगर उसने हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया है, ठीक है जी। बात सिंपल है, कवर्ड है, समझ आ गया हूं। आगे हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट क्या होते हैं, अगर आपने करा लिया तो फायदे क्या होंगे। आपको मेडिकल कवरेज मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, मेडिकल कवरेज मिलेगा। आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मेडिसिन लेनी है, दवाई लेनी है, पट्टी लेनी है, बेटाडीन लेनी है, कोई भी पैरासिटामोल लेनी है, तो उसके पैसे नहीं लगेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया, अब जिंदगी भर खुश रहो, दवाइयां खाओ। आगे लिखा है उसके बाद फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाती है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है, देखो अगर मान लो इन केस कभी कभी क्या होता है कि हम कार से हाईवे पे जा रहे हैं, हाईवे पे हमारी कार ठुक गई, हमारा एक्सीडेंट हो गया बड़ा भारी। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई गरीब आदमी का अगर एक्सीडेंट हो गया, जैसा अमीर का हो गया वो तो करा लेगा, अगर इसी जगह कोई गरीब आदमी का हाईवे पे हो गया, पैदल चलते हुए वॉकिंग करते हैं, तो उस जगह पे उसको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाएगी, एक सुरक्षा दे देते हैं, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाती है कि अब भाई बिना पैसों के इलाज होगा। जो 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपए आपके लगने वाले थे ना, वो सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट में जो इंश्योरेंस कराया है उसकी वजह से आप फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हो, बिल्कुल फ्री, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है। आगे लिखा है प्रिवेंटेशन केयर, या फिर बोल सकते हो प्रिवेंटिव केयर। आपको अच्छी खासी एक सुरक्षा मिलती है, एक अच्छा खासा एनवायरमेंट मिलता है जहां पर आप अपने ट्रीटमेंट करा सकते हो, जहां पर बेटर डॉक्टर मिलेंगे बेटर केयर के लिए, ठीक है। आगे लिखा है इमरजेंसी सर्विसेज, अगर आपके कोई इमरजेंसी केसेस है, हो सकता है आपको ना हो फैमिली में किसी को हो, तो उनके इमरजेंसी केसेस में भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है। मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, आज से 10 साल बाद अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे पैसे किसी और को मिल जाएंगे। और अगर मान लो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, मैंने 8 से 10 लाख की मैंने इंश्योरेंस करा रखी है, ठीक है, बड़ी मोटी इंश्योरेंस है, अगर मेरी फैमिली में लगता है किसी को, अगर कोई बीमार है, कोई चोट लग गई किसी को, तो वो अगर जाएगा कहां, हॉस्पिटल, उसी जगह जहां मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो वो मेरा इलाज जो है फैमिली मेंबर का वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, इमरजेंसी सर्विसेज में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट किया जाएगा। अगर लिखा है टैक्स बेनिफिट्स, आपको टैक्स क्रेडिट्स मिल जाते हैं अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद आपको जो बड़े अमाउंट पे टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते हैं उसमें थोड़ी सी क्रेडिट मिल जाती है,
छूट मिल जाती है, वो आपको नहीं पे करने पड़ते उतने। आगे लिखा है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, तो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्या होता है। प्रॉपर्टी पे जो इंश्योरेंस लिया जाता है वो इंश्योरेंस कह रहा है, इट इज द टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेजेस एंड लॉसेस। जो भी पॉसिबल डैमेजेस है, जो डैमेजेस होने वाले हैं इन फ्यूचर में, उन डैमेजेस पे और उन डैमेजेस के साथ साथ जो लॉस होने वाले हैं हमारी प्रॉपर्टी पे, तो वो लॉसेस को क्लेम करने का काम करता है हमारा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद लिखा है आगे प्रॉपर्टी एंड बिजनेसेस फाइनेंशियल लॉसेस, जितने भी पैसों से रिलेटेड लॉसेस हो रहे हैं ना भाई। मान लो आपका कोई एंटीलिया अंबानी जैसा टावर था, बहुत बड़ा, 8 से 10 माले का, और वो एकदम बाढ़ आई और वो पूरा बह गया और पूरा चौपट हो गया, गिर गया पूरा। ठीक है, तो अब आपने उसका इंश्योरेंस अगर ले रखा होगा तो पूरा फाइनेंशियल लॉसेस कंपनी बेयर करेगी इनको। ठीक है, कह रहा है सच ए नेचुरल डिजास्टर, चाहे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया भाई, नेचुरल डिजास्टर अगर आ गया, कोई बाढ़, अर्थक्वेक, फ्लड, कुछ भी आ गया, तो उस जगह पर आपके डिजास्टर्स के पैसे भी देगी, या कोई एक्सीडेंट या थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई, सामान चोरी हो गया, 10 से 12 लाख के जेवर चोरी हो गए, चोरी हो जाएगी या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हादसा हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका इंश्योरेंस देगी आपको। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। अब प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी बहुत सारे टाइप के होते हैं भैया, कौन सा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस अच्छा रहेगा वो बताओ। तो देखो पहला है होम ओनरशिप। होम ओनरशिप में आप एक इंश्योरेंस कराते हो, आप उसका एक डाउन पेमेंट करते हो, डाउन पेमेंट के साथ आप धीरे धीरे बाकी पेमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरह देते हो। जब पूरी इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो यहाँ पर आप होम ओनर बन जाते हो। होम ओनर तब तक नहीं बनते जब तक आपकी आखिरी किस्त नहीं चली जाती। ठीक है, यहाँ पे लिखा है उसके बाद रेंटर्स, ये भी एक तरह का प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है रेंटर्स का। रेंटर्स वो लोग जो प्रॉपर्टी में रहने के लिए आते हैं, जिनका मकान नहीं होता मगर वो किराया देते हैं, ऐसे लोग, तो इनका एक इंश्योरेंस होता है 10 से 12 महीने का, एक एग्रीमेंट भी होता है प्रॉपर। आजकल तो छोटे छोटे जो लोग होते हैं वो कराते नहीं है, बट हाँ रेंटर्स का इंश्योरेंस भी कराया जाता है। आगे लिखा है कमर्शियल प्रॉपर्टी, अगर कोई ऐसी सरकारी प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है, जो सरकार ने फ्लैट दिए होते हैं, काफी बार क्या होता है कि आपने देखा होगा LIG MIG करके फ्लैट होते हैं काफी जगह होते हैं, तो ये सरकार किनको देती है, जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है, तो उनको फ्री मिले होते हैं प्लाट। ठीक है, तो उनको फ्री किस लिए मिले होते हैं, कुछ महीनों के लिए, कि अभी आप यहाँ काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी दी जाएगी, अगर आप यहाँ काम नहीं करते, आप छोड़ के कहीं और जाते हो तो आपको वहां प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। ठीक है, बट जहां आपकी ड्यूटी है वहां पे आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर आप इसका इंश्योरेंस चाहते हो आप इंश्योरेंस करा सकते हो जी। ठीक है, आगे लिखा है फायर इंश्योरेंस और फ्लड इंश्योरेंस। देखो फायर इंश्योरेंस क्या होता है, अगर आपका कोई माल है, फायर इंश्योरेंस मींस फायर में आग में जल बल गया, उसके रिलेटेड आप इंश्योरेंस करा लो। फ्लड मतलब कि पानी की अगर कोई बड़ी लहर आ गई और आपको डुबा के ले गई, पता चला आप चाय पी रहे थे, सुट्टा पीते पीते आप निकल गए सुट्टे के साथ ओलिए, तो ऐसा अगर कभी हो जाता है तो फ्लड इंश्योरेंस काम आता है। फ्लड इंश्योरेंस में अगर कोई बह गया, पहले बहे हुए व्यक्ति को ढूंढेंगे या उसकी चाय की प्याली को, भाई चाय की प्याली जल्दी मिलती है, भया हुआ व्यक्ति जल्दी नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लड इंश्योरेंस कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बह गया पानी में, बाढ़ आ गई, कुछ आ गया, तो इस केस में हम उसको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कौन सा टाइप का देंगे, फ्लड इंश्योरेंस हम कराएंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की। क्या होता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, कह रहा है इज द लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय इंडिया पोस्ट। कह रहा है वो प्रोडक्ट जो इंडिया पोस्ट ऑफर्ड करती है उनके ऊपर जो इंश्योरेंस होता है वो होता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। कह रहा है द कंट्री पोस्टल सिस्टम, ये पूरे कंट्री पोस्टल सिस्टम है जहां पे नेशनली एक जगह से दूसरी जगह तक आप इंश्योरेंस आराम से ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बाय पोस्टल के आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, पोस्टल द्वारा डाकघर होते हैं ना, तो उनके द्वारा लाइफ इंश्योरेंस भेजे जाते हैं, उसको बोलते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। आगे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, कह रहा है PLI मींस पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अफोर्डेबिलिटी होती है, मींस कोई भी अफोर्ड कर सकता है, छोटी सैलरी वाला, बड़ी सैलरी वाला, हाई सैलरी वाला, लो सैलरी वाला, सबके लिए अफोर्डेबल है। गवर्नमेंट बैकिंग होती है, यहाँ पर ना गवर्नमेंट की बैकिंग होती है, बैकिंग मतलब आपके पीछे जो पावर है ना गवर्नमेंट की होगी, आप आगे चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो और पीछे से गवर्नमेंट धक्का लगा रही है, फिर वो धक्का लगा रही है, पुश कर रही है आपको। ठीक है,
तो पीछे से बैक पावर गवर्नमेंट की होती है, अगर कोई दिक्कत समस्या होती है तो गवर्नमेंट आपको झेलेगी, मोदी जी आके झेलेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, आगे लिखा उसके बाद वैरायटी ऑफ प्लान्स, यहाँ पे प्लान्स की बहुत सारी वैरायटी होती है, आप जितने प्लान देखना चाहो प्लान दे सकते हो। मतलब ऐसा मान लो कि सरोजिनी नगर की मार्केट हो गई है, है ना, जितने आप ट्राई करना चाहो प्लान उतने ट्राई कर लो, प्लान तो बहुत है। आपकी इंश्योरेंस 2 साल की हो जाएगी, 3 साल की हो जाएगी, 4 साल की हो जाएगी, हजारों साल की रहने हजारों साल की हो जाएगी, मिनिमम से अमाउंट की हो जाएगी, 99 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए में चालू हो जाएंगे आपके इंश्योरेंस। जैसा आप प्लान चाहोगे वैसा प्लान आपको मिलेगा। आगे लिखा है सेविंग कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स सेविंग होती है यहाँ पर, मतलब चीजों को इंश्योरेंस ऐसे भी हैं जहां पर आप अपने पैसे को बचा सकते हो, इजीली पैसा यूटिलाइज भी कर सकते हो कि आने वाले 10 साल बाद मुझे थोड़ा सा पैसा सेविंग होके मिले, अमाउंट बढ़ा होके मिले, कंपाउंड करके मिला जाए, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे रूरल इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, रूरल इंश्योरेंस क्या होते हैं भाई। रूरल का मतलब है जैसे कि कोई भी छोटे मोटे एरिया, गांव वगैरह, तो उसके लिए अगर आप कर रहे हो तो कह रहा है वो जो रूरल एरिया है ना उसके लिए कह रहा है, रूरल आर स्पेशली डिजाइन टू कैटर ऑफ द यूनिक नीड ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन द रूरल एरियाज, कह रहा है कि वो लोग जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं तो उनके लिए ये स्पेशली कैटर डिजाइन करा है, एक यूनिक टाइप का इंश्योरेंस होता है रूरल पॉलिसी इंश्योरेंस या रूरल इंश्योरेंस पॉलिसी। कह रहा है दीज इंश्योरेंस या दीज पॉलिसी सर्व्स ए क्रूशियल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट फॉर रूरल कम्युनिटीज, जो रूरल कम्युनिटीज होती है तो उनको एक फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज से बचने के लिए, कोई भी ऐसी आगे आने वाली है जो अनहैपनिंग होने वाली है उनसे बचा सके आज, तो वो उसको रूरल को प्रोवाइड करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ रूरल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या है, तो अब हम देखेंगे बेनिफिट क्या है रूरल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। पहला बेनिफिट होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, जो छोटे लोग होते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है, छोटी छोटी चीजों में जो पैसा लगता है उनको वो अब खर्च नहीं करना पड़ेगा। कवरेज हो जाती है आपके एग्रीकल्चर रिस्क की, खेती बाड़ी जो कर रहे हैं गाँव के जो लोग हैं उनके एग्रीकल्चर से रिलेटेड पैसा मिल जाता है। देखो तो आपने रूरल इंश्योरेंस करा लिया, आप हर महीने 2-2 हजार रुपए जोड़ रहे हो, आपको साल के बाद आपको 3-4 लाख रुपए मिलेंगे अगर, तो आप उसमें से 1-2 लाख अपने खेती के लिए निकाल सकते हो, अगर खेती के लिए एडवांस मिलना है तो खेती के लिए वैसे ले सकते हो, तो ये चीज हो जाती है। आगे लिखा है अफोर्डेबल, कोई भी अफोर्ड कर सकता है और गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, गवर्नमेंट बैकअप होता है यहाँ पे अच्छा, और लोग आराम से अफोर्ड कर पाते हैं। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको क्लियर करे। अब एक छोटा सा पॉइंट रह गया है, एक और इंश्योरेंस रह गया, जैसे रूरल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, एक और रह गया, तो पहले आप इसको उतार लो आराम से, स्क्रीनशॉट लेना भाई, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो ताकि आपका इजीली उतर जाए। नोट्स लेने हैं तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना, जिसको साफ क्लियर चाहिए नोट्स में आपको मिल जाएगा, तो आप इसको उतार लो फिर आगे लिखवाते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं पेंशन प्लान क्या होता है। तो देखो मैंने अभी तक आपको 3-4 प्लान बताए थे, 3-4 इंश्योरेंस बताए थे, तो अब उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है वो रह गया है एक पेंशन प्लान का। पेंशन प्लान क्या होता है, पेंशन प्लान को आपको समझना होगा। तो पेंशन प्लान वो प्लान होता है जब आप पूरे 60 साल तक या 40-50 साल तक रिटायरमेंट तक एक एज तक अपनी ड्यूटी करते हो, अपनी नौकरी करते हो, उसके बाद आप एक एज पे रिटायर हो जाते हो उस पोस्ट से। जब आप पोस्ट से रिटायर होते हो तो अगर आपके कोई गवर्नमेंट सर्विसेज है तो आपको वो प्लान के तहत, पेंशन प्लान के तहत एक रिटायरमेंट पेंशन देती है, हर महीने रेगुलर बेसिस पे एक बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट आपको देती है, ठीक है। और ये जो प्लान है ना ये अलग अलग टाइप के होते हैं, सबको लगता है कि सबकी पेंशन बराबर आती है, 40,000 रुपए पेंशन सबको आ रही है, नहीं भाई, प्लान अलग अलग तरह के होते हैं, टाइप्स होते हैं इसके भी बहुत सारे, तो जिसकी नौकरी जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग, प्लान के अकॉर्डिंग उसको पैसे मिलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेंशन प्लान की। तो पेंशन प्लान में लिखा है इट इज ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिजाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कह रहा है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट बोला है इन्होंने, इस वर्ड को क्या बोला है, पेंशन प्लान को फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिनोट किया है, एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करा है जो आपको प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कब प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा एंड इनकम ड्यूरिंग रिटायरमेंट, आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मीन्स इनकम देगा, कुछ पैसे देगा आपके खर्चे चलाने के लिए। कब, जब आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी, जब आप रिटायर हो जाओगे, जॉब छोड़ दोगे, बूढ़े हो जाओगे उस टाइम पे। दीज प्लान हेल्प्स, कह रहे ये प्लान हेल्प करते हैं इंडिविजुअल सेव एंड इंटरेस्ट, इंडिविजुअल हर एक बंदे की सेविंग में
और उसके इंटरेस्ट में, सेविंग्स जो होती है उसके पैसे बचाने में और इंटरेस्ट में उसके पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है हमारा पेंशन प्लान। कह रहा है फॉर देयर रिटायरमेंट ईयर्स, जब आप रिटायर हो जाते हो तो उस टाइम पे जो रिटायरमेंट ईयर्स है उन रिटायरमेंट ईयर्स को आपको पेंशन प्लान कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ पेंशन प्लान, तो देखो पेंशन प्लान मैंने टोटल फाइव टाइप्स के पेंशन प्लान यहाँ पे मेंशन किए हैं, पांचों टाइप्स के पेंशन प्लान आपको समझाऊंगा। पहला पेंशन प्लान होता है जिसमें आता है बेनिफिट्स पेंशन प्लान। बेनिफिट्स पेंशन प्लान क्या होता है, जब भी आप रिटायर होते हो तो आपको एवरी मंथ एक फिक्स्ड सैलरी मिलेगी। क्या मिलेगी? फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, जैसे 40,000, 30,000, 20,000, 10,000, 15,000। तो एक फिक्स्ड सैलरी जब आपको मिलती है ना तो उसको बोलते हैं बेनिफिट पेंशन प्लान, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं हर एक आदमी को मिलती है एक्सपायर होने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद। ठीक है, हाँ। तो दूसरा हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूट। कॉन्ट्रीब्यूट क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूट पेंशन प्लान टू है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं पूरे जिंदगी, पूरे लाइफ टाइम उसने क्या काम करा है, कितनी पोस्ट इंक्रीज हुई है उसकी, पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी देते हैं। एवरी ईयर सैलरी नहीं आती, हर मंथ जो है सैलरी नहीं आती, इसमें सिर्फ ये देखते हैं कितना पेंशन प्लान में उसका पेंशन बन रहा है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जितने साल तक बनेगा सिर्फ उतने साल तक कंट्री में उसको दिया जाएगा, वरना उसको नहीं दिया जाएगा। उसके पोस्ट के अकॉर्डिंग एक टाइम आएगा कि 3-4 साल बाद उसकी पेंशन खत्म हो जाएगी, पेंशन उसको नहीं मिलेगी। यहाँ पे पूरी लाइफ लॉन्ग मिलेगी, मरने तक मिलेगी, मगर यहाँ पे उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, तीसरा है एन्युइटीज। एन्युइटीज क्या होता है? एक पार्ट मिलता है, एक लमसम पार्ट होता है, आपकी जो सैलरी है उसका एक लमसम पार्ट सेव कर जाता है, वो सेव पार्ट एंड में आपको रिटायरमेंट में मिलेगा, एन्युइटीज कहलाता है। फिर आता है ईपीएफ। ईपीएफ होता है आपकी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा डिडक्शन होता है, आपकी सैलरी क्या होती है, डिडक्ट होती है, काटी जाती है। जैसे कि मान लो 10%, 1 लाख सैलरी है तो 10,000 रुपए हर महीने काटे जाएंगे। 1 लाख रुपए महीना सैलरी, 10,000 रुपए हर महीना काट रहे हैं तो साल का बन जाता है 1,20,000। 1,20,000 एक साल में आप जमा कर रहे हो, तो आने वाले 25 साल के लिए मान लो प्लान है, 25 साल की आपकी जॉब है, 25 साल बाद 1,20,000 की अगर रेशो से निकालो तो आपको कितना पैसा 25 साल के बाद मिलेगा, वो आपको दिखाता है ईपीएफ। जो भी आपका पैसा बनेगा वो आपको आपके पास तक पहुंचाएगा। आगे लिखा है नेशनल पेंशन स्कीम, मतलब कि एनपीएस। एनपीएस एक नेशनल पेंशन स्कीम है, जहां गवर्नमेंट एक मिनिमम रेट पे, एक मिनिमम अमाउंट पे कह सकते हो, ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट पे रिटायर्ड पर्सन को देती है पेंशन। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बात क्लियर। एक रिटायरमेंट पर्सन को एक गवर्नमेंट एक मिनिमम अमाउंट पे प्रोवाइड करती है पेंशन, जिसको बोलते हैं मिनिमम पेंशन प्लान। आगे लिखा है उसके बाद यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है यूएलआईपी, यूलिप। तो हम पढ़ेंगे यूलिप क्या है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान क्या है, यूलिप क्या है। तो यहाँ पे लिखा है बेसिकली ए यूनिक कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, ए यूनिक कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो थोड़े थोड़े हाफ पे, थोड़े थोड़े पार्ट में जा रहा होता है, एक लमसम अमाउंट की तरह। कह रहा है कि कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट दैट कंबाइन लाइफ इंश्योरेंस कवरेज विद अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्ट वेरियस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। कह रहा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ आपको अवसर दिया जाता है, आप दूसरे वेरियस इंश्योरेंस प्लान के फायदे भी ले सकते हो यूनिट के अंदर। ठीक है, तो यूनिट क्या करता है, आपको एक लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ बाकी प्लान्स को भी अवगत कराता है। टाइप्स ऑफ यूलिप, अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप के यूलिप होते हैं। तो बुक में बेसिकली 2 टाइप के यूलिप थे, इक्विटी और डेट, दोनों में आपको कंपैरिजन बताऊंगा छोटा सा। तो देखो इक्विटी जो होता है ये आपको हायर रिटर्न्स देता है, क्या देता है भाई, हायर रिटर्न्स, मतलब कि पैसे रिटर्न ज्यादा देगा। और जब कोई चीज आपको हायर रिटर्न देती है ना तो उसको अभी के टाइम पे रिस्क ज्यादा होता है, तो रिस्क क्या होता है, रिस्क मैनेज हायर हो जाता है इसका, मतलब कि रिस्क ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा, पैसे जब भी ज्यादा मिलेंगे तो आपको रिटर्न देना पड़ेगा। तो इक्विटी क्या होता है, एक तरह का सेफ प्लान कह सकते हो, बट इसमें रिस्क ज्यादा होता है थोड़ा। ठीक है, डेब्ट में क्या होता है, डेब्ट में आ जाते हैं आपके बोनस, बॉन्ड्स, शेयर होल्डर्स या शेयर इक्विटी, डिबेंचर्स। तो ये सारे आते हैं डेब्ट यूनिट में। डेब्ट यूनिट के अंदर
आपको मिनिमम रिस्क होता है, क्या होता है, रिस्क भी कम होता है और रिटर्न्स जो होते हैं, जो इसके हायर रिटर्न्स थे ना ऊपर वाले के, तो यहाँ पे भी हायर रिटर्न्स नहीं होते भाई, नहीं होते, गलत समझ रहे हो। ऊपर वाले में हायर रिटर्न्स होंगे क्योंकि रिस्क ज्यादा है, यहाँ पे लो रिस्क होता है, लो रिस्क, तो लो रिस्क है भाई, रिस्क हम थोड़ा सा ले रहे हैं, तो जब रिस्क कम लेंगे तो इसके साथ साथ हमारे जो रिटर्न्स हैं वो क्या होंगे, मिनिमम, मिनिमम रिटर्न्स, रिटर्न्स भी हमें कम मिलेगा, पैसा भी हमें आने वाले टाइम पे कम दिया जाएगा क्योंकि ये मिनिमम रिस्क है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, अभी आपने जो पॉइंट्स उतारे उसके बाद ये चैप्टर था, आप इसको भी उतार लो, नोट डाउन करके स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लेना। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, चैप्टर नंबर 9 में जल्दी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, कीप वॉचिंग, लव यू, एंड चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स की सारी प्रिपरेशन चैनल एक्सप्लेन पे करवाई जा सके। और अगर किसी को लगता है कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ मिस्टेक है, तो वही कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं थोड़ा सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा, ठीक है। और बाकी अभी के लिए इतनी, ऑल द बेस्ट, नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके नोट्स को बाय कर सकते हो, ठीक है।